चल रहा है उल्टा पुल्टा। बिहार में क्या होता है, शादी विवाह में भोज भात हो तो माना जाए ठीक ठाक है, चल कर दिया। कोई मर गया, गरीब आदमी है, आपके दरवाजा पर 6 गो आके बैठेगा, तो भोज भात करमी ना। अब उसको पैसा नहीं है, उसी गांव का 5 गो आएगा, वो बोला जमीनमा देमी। अब देखिए, एक तो बाप मरा, ऊपर से जमीन बेचवा रहा है सर, है ये समाज है? इस समाज को गीदर से भी गया, ऐसे समाज में क्या हमें रहना है? इसको अगर समाज कहते हैं तो राक्षस वाला समाज भी नहीं है। वो जमीन बेच के, संपत्ति बेच के, मतलब बाप का तुम खूब भोज कर दो, अब बाद में फिर जब आप कंगला हो जाइएगा, सब बेच दिया रे, कुछ नहीं है इसको। उतने नहीं कहता है। गांव में तो हम देखे, एक आध लोग मरा तो उसके दरवाजा पर पंडित सब पहुंचता है, बार बार बाप आएगा। अरे बाप आएगा मतलब हम कंगला हो जाएं जमीन बेच के? बेच के कर दो, लोटा दो बेच के, लोटा पानी पीथू बाबू उपरे। अरे बाबू को पानी पीना था तो नीचे रहना चाहिए था, ऊपरो जाके उनका लोटे चाहिए, थरिया चाहिए, बेडिंग चाहिए, तो काहे लगे थी यही रहती है। ये जितना अंधविश्वास है हमारे समाज में जड़ तक पहुंचा हुआ है। मैं एक जगह गया बेगूसराय, निशांत रंजन जी भी साथ में थे, मैं बड़ा दुखी भाव से गया कि किसी के पिताजी डेथ कर गए, बेचारे डेथ कर, पिता किसी का गया बेचारा दुख में होगा, हम आपको बता नहीं सकते हैं। जब हम वहां गए, 5 मिनट भी हम लोग नहीं बैठे होंगे, काला बाला एक थरिया रसगुल्ला लेके आया, एगो ओकर गोतिया सब खाई थी ना, ले तो बेगूसराय वाला भाषा ले रख, बढ़िया रसगुल्ला। हम कहे कि वो बेचारा का बाप मरा है, ये रसगुल्ला किया रहे साला, मानी ये समाज है? आंसू टपक रहा है, छाती पीट रहा है घर वाला, खाए वाला और उजर की दी है रे। ये चील गिद्ध कौआ से भी खतरनाक है, जो ऐसा भोजन करता है उसका 7 पीढ़ी नाश हो जाता है। बाप रे बाप, कैसे खाता है रे भाई मरगी का भोजन, सब संस्कार खत्म। गिद्ध चील जैसे मांस नुच नुच के खाता है, इसलिए मृतक भोज भी, भैया जो गायत्री जपते हो कम से कम कोशिश करो कि उनको अलग से ही प्रणाम कर लो। हम तो बड़ा देखते हैं तो हमको दया लगता है, ये सब कुसंस्कार फैल गया है अपने यहाँ, इसलिए भाई इन चीजों पर भी प्रहार होना है। अभी तो प्रचारात्मक आंदोलन है, अंत में कौन सा आंदोलन चलेगा? संघर्षात्मक आंदोलन चलेगा, लोग कहेगा पगला गया है, क्या करिएगा? राजा राम मोहन राय पगलाए थे एक समय, सारा का सारा हिंदू समाज ने राजा राम मोहन राय को क्या कहा? पागल है। काहे? सती प्रथा। आपके घर में अगर कोई पुरुष मर जाते थे तो उसकी पत्नी को उसके पति के साथ आग में कूद जाने का विधान था। राजा राम इतना बड़ा विधान था जिसको धर्म से जोड़ दिया गया था। राजा राम मोहन राय ने इसका विरोध किया, विरोध किया तो तमाम हिंदू धर्म के संगठन जो बड़े बड़े योद्धा थे उन्होंने कहा राजा राम मोहन राय को हिंदू धर्म से निकाला जाए, ये हिंदुओं का विरोधी है। आज देखिए वो लागू हो गया ना, उनका आज इतिहास में पढ़ाया जाता है, और जिन लोगों ने विरोध किया वो कहां गए, उनका नाम निशान भी है। तो ये जो अभी सरस्वती पूजा लोग मनाते हैं, बाईजी नचवाते हैं, ये अभी नहीं समझ रहे हैं कि कौन सी गलती कर रहे आने। अभी तो पुलिस मात्र खोज रही है ना, जब ऊपर वाला खोजेगा तो कोई पता नहीं। पुलिस तो हो सकता है कि कब तक खोजे ना खोजे, लेकिन जब ऊपर वाला खोज, ऊपर वाले के डंडा में आवाज नहीं होता, दिखता भी नहीं है, लेकिन जब लगता है मैंने कई युवा मंडल के लड़कों को नजदीक से देखा है लंबे 24 साल में, यहां आया, 2 संडे आया, 3 संडे आया, चौथा संडे में अपने भी आना छोड़ दिया और 2-4 गो को भड़का दिया, तू हो जा हम गेले हलिए 3 संडे रे, और भड़का दिया। आज उस सब का जो वो दुर्गति है, अपना तो डूबा ही डूबा, कितने को डूबा दिया। इसलिए किसी को अच्छा बनाइए, किसी को बुरा मत करिए, अच्छे राह पे चलने वाले को भटकाइए मत, ये श्राप लग जाएगा आपको, भगवान के अभियान है। इसलिए किसी को अच्छा बनाने का कोशिश करिए।